अक्सर हम लोग सिवाय की बात करते हैं, हम बात करते हैं भैया 1 रुपए तक जा सकता है, 10x दे सकता है, क्या सच में लगता है? बिल्कुल लगता है, मेरे को लगता है कि भाई 10x करना सिवाय इनू के लिए विल नॉट बी अ बिग थिंग। और ये डॉज कॉइन का भी लगता था, जब डॉज कॉइन हमारा 1 सेंट पे था तो सब मेरे को बोलते थे भैया आप तो बात करते रहते हो, कहीं नहीं जाना है, ये तो 2 सेंट भी नहीं पहुंचेगा, 2.5 भी नहीं पहुंचेगा, ये तो मर गया, ये तो 10-15 रुपए भी नहीं जाना है। और देखते ही देखते कहां पहुंच गया, ऑलमोस्ट 5x हमें दिया है 1 महीने के अंदर डॉज कॉइन ने। ऐसा ही एक दिन होगा जब तुम्हें सिवाय इनू देगा। और देखो सिवाय इनू पहले भी हमें दे चुका है, हम अगर मार्च की बात करें तो मेरे को लग रहा है मार्च के अंदर अंदर में सिवाय इनू ने मारा था ऑलमोस्ट 6 या 7x। तो ये सब सोचना मेरे को लगता है कि गलत है अगर तुम्हें लगता है। और अक्सर मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे मेजोरिटी भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास में सिवाय इनू है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, आज हम बात करेंगे ब्रेड की, कि क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रेड में इतना पोटेंशियल है कि वो अगर चाहे तो 20x भी दे सकता है, 50x भी दे सकता है और 100x भी दे सकता है। उसके कुछ कॉन्क्रीट रीजन है। सिवाइनू जिन बहन भाइयों के पास में है वो सिवाइनू रख सकते हैं, जिन लोगों को ब्रेड खरीदना है वो ब्रेड खरीद सकते हैं। मेरे को लगता है कि सिवाइनू से ज्यादा पोटेंशियल ब्रेड के अंदर में है। सिवाइनू के लिए हम हमेशा इसलिए बात करते हैं क्योंकि उसकी होल्डिंग्स बहुत सारे भाइयों के पास में है और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो लॉस में है, तो मैं नहीं चाहता कि वो उसे सेल करें क्योंकि उसके अंदर भी आपको जो प्राइस है वो देखने के लिए मिलने वाली है। पहली जो ब्रेड का जो सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि भैया ब्रेड एक ऐसा कॉइन है जो बेस कॉइन का मेन मीम है और अभी तक इसकी लिस्टिंग ना कॉइनबेस पे हुई है और ना ही बाइनेंस पे हुई है। तो आप सोच के देखिए कि एक इतना बड़ा जो टोकन है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी लिस्टिंग ना बाइनेंस पे हो ना कॉइनबेस पे हो। अभी हमने देखा कि भैया फ्लोकी की लिस्टिंग हुई थी कॉइनबेस पे, और फ्लोकी का एक बार चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि फ्लोकी का जो चार्ट है उसने क्या किया है। जस्ट लुक एट दिस, ये हमारा टाइम था जब हमारी कॉइनबेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है और फ्लोकी हमारा गया था यहां तक ऑलमोस्ट 2x की एक जंप जो थी वो एक दिन के अंदर मारी है हमारी फ्लोकी ने, ठीक है, मतलब 3-4 दिन के अंदर मारी है हमारी यहाँ पे फ्लोकी ने कुछ इसी तरीके का। और फ्लोकी मैं आपको बता रहा हूं ब्रेड से ज्यादा फेमस नहीं है। अगर आज के टाइम पे आप वीडियो देखोगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, दे बिलीव इन ब्रेड, फ्लोकी की उतनी बात कोई नहीं करता जितनी ब्रेड की बात करते हैं। तो दिस इज फॉर श्योर कि एक टाइम पे आके आपको मिलेगा कि भैया ब्रेड जो है हमारा लिस्ट हो रहा है। तो पहला तो सबसे तगड़ा जो रीजन है वो ये है। ओके अच्छा, ये अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे अपना हर 5-10 मिनट में अपन करते हैं अपडेट। ये मैंने बताया था कि भैया कल हमने देखा ब्लैक रॉक का जो ETF है, जो बिटकॉइन ETF है, वो लिस्ट हो गया है ऑप्शंस में और आज होने वाला है ग्रे स्केल का, ये कल से लाइव हो जाएगा। आप समझ के देखो कि कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर आने वाला है। ये जो छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, कल शाम से हमने देखा हल्का सा मार्केट गिरी है, बहुत सारे बहन भाई हैं जो पैनिक हो गए। यार तुम्हें कितनी बार समझाओ कि ऐसे नहीं बनेगा वो पैसा, 2% मार्केट गिरती नहीं है तुम लोग के हाथ पर फूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज क्रिप्टो, यहाँ अगर तुम रिस्क लोगे तो ही तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम ये सोच के आए कि नहीं है हम तो 10 रुपए लगाएंगे और सीधा वो 100 पे ही जाएगा तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है पहले वो 10 5 पे जाए, अगर 5 को झेल गए तो तुम 100 पे जाओगे, अगर 5 पे निकल गए तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए क्रिप्टो गैम्बलिंग बनकर रह जाएगी। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, लगभग हर 5 मिनट पे मैं डालता हूँ। आप ये कर लो ज्वाइन, क्योंकि अगर आप ये ज्वाइन कर लोगे तो आपको फिर अलग से 20-30 ट्विटर हैंडल, 20-30 जो यूट्यूब चैनल है उन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो टॉप 30 ट्विटर हैंडल्स है वहां से डेटा उठाता हूँ और बाकी रिसर्च करके यहाँ पे डेटा डालता हूँ। तो इसको भैया आप कर लो ज्वाइन। अब चलते हैं हम दूसरे रीजन पे। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि भैया एनालिस्ट ने बोला है कि बहुत जल्दी आप देखोगे कि डॉज कॉइन और ब्रेड लगभग एक साथ जो है $1 यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। $1 क्या बहुत बड़ा टारगेट है? बहुत छोटा सा टारगेट है। मेरे को जो लगता है, हो सकता है आप जो ब्रेड है, ब्रेड ने अभी 4-5 दिन पहले ऑलमोस्ट 3x की एक जंप मारी है, होपफुली जो लोग होंगे उन्हें पता होगा उस चीज का। मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है दिसंबर तक ही आपको जो ब्रेड है वो $1 जाता हुआ दिख जाए। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी टोकनोमिक्स और क्या इसकी कहानी है। जैसे अक्सर हम बात करते हैं भैया कि मार्केट कैप इतना है, सप्लाई इतनी है, तो सबसे पहली जो हम चीज देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भैया किसी कॉइन की कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और टोटल सप्लाई कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10% खुली हो, 20% खुली हो और पता चला जब मार्केट कैप में और पैसा आया तो बाद में खुल गई। तो अगर आप देखोगे तो नीचे आ जाते हैं, आवाज अजीब सी हो रही है इसके लिए सॉरी। सो मैक्सिमम जो इसकी सप्लाई है दैट इज 10 बिलियन, ठीक है। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो दैट इज 9.91, मतलब लगभग पूरी जो सप्लाई है 99.1% जो सप्लाई है दैट इज इन द मार्केट। कल को अगर पैसा आता है
तो ईच एंड एवरी कॉइन्स प्राइस विल इंक्रीज, हर एक कॉइन की जो प्राइस है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कल को पता चला कि 2 बिलियन आया और इन्होंने अपने और आधे टोकन खोल दिए, वो यहां नहीं होने वाला है। पूरा टोकन सर्कुलेशन में है और जितना भी पैसा आएगा उससे आपको हर एक टोकन की जो प्राइस है क्या वो वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, एक तो पॉजिटिव पार्ट ये। सेकंड, अगर आप यहां देखोगे इनका जो मार्केट कैप है वो अभी सिर्फ 1.73 का है, और मेरे को लगता है कि एक अच्छे मीम कॉइन के लिए 50 बिलियन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर वैसे बात करोगे तो तुम्हारा डॉज कॉइन तो 60 पे पहुंच गया है। ठीक है, और भी बड़े बड़े मीम कॉइन्स हैं, और सोचो जब वो आगे जाएगा तो कहां तक जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये 50 भी जाता है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो भी इसके लिए ऑलमोस्ट 25x है। अगर ये यहां से 30 भी जाता है तो भी इसके लिए 15x है, समझ रहे हो? और वो कोई बड़ी बात नहीं है, और 30 जाना इज नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ठीक है, और बहुत सारी अगर बातें हम इसके बारे में करें, मतलब मेरे को लगता है इतना ही बहुत है जानने के लिए, इतना ही बहुत है। अगर देखोगे कोई भी बहुत बड़ी एक्सचेंज यहाँ नहीं है, बायनेंस तुम्हारी बाकी है, कॉइनबेस तुम्हारा बाकी है। ये जब एक्सचेंजेस पे आते हैं ना टोकन, इतनी नई जो पैसा है मार्केट के अंदर घुसता है कि आपको देखने मिलेगा किस तरीके की जो ग्रोथ है वो मिल रही है। ठीक है भाई, एक बात करेंगे इसके चार्ट की, यहाँ TAC भी आपको कुछ चीजें यहाँ समझ में आएंगी। जस्ट लुक एट दिस, अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले लगभग लगभग कितना टाइम हुआ है इसको, 175 दिन, 182 दिन, कितना होता है ये, 6 महीने, 36 18, 6 महीने बाद ये उस लेवल पे पहुंचा है जहां पे ये था 6 महीने पहले। तो अब आप ये समझ लो, इस तरीके का शायद मैंने ब्रेकआउट आपको दिखाया किसमें, इस तरीके का ब्रेकआउट मैंने आपको दिखाया सोलाना में, इस तरीके का ब्रेकआउट मैंने आपको दिखाया एथेरियम में, और इस तरीके का जो ब्रेकआउट है वो होने वाला है कहां पे, ब्रेड के अंदर। और जैसे ही ये होता है ये आपको सीधा $1 जाता हुआ दिखेगा नॉन स्टॉप, ये पहले जा रहा है $1, और जैसे ही उसके बाद में इसकी लिस्टिंग की न्यूज आएगी बाइनेंस पे और कॉइनबेस पे, फिर आप देखोगे कि इट विल गेट क्रेजी। ठीक है, तो मेरे को लगता है जिनके पास में ब्रेड नहीं है वो ब्रेड खरीद सकते हैं, आज भी DCA कर सकते हैं। एक पुल बैक की उम्मीद मेरे को है कि 2 4 दिन में जैसे ही हमारा बिटकॉइन यहां से थोड़ा ऊपर जाता है, या फिर यहीं से भी अगर पुल बैक आता है, तो 15-20% का जो करेक्शन है वो आपको सारे कॉइन के अंदर देखने मिलेगा, तो वहां पे जाके आप बाइंग कर सकते हैं। कुछ भाई ये कह रहे थे, भैया आपने कल AI के कॉइन बताए थे कहीं नहीं जा रहे हैं, पूरा मार्केट नीचे है, स्टिल जो कॉइन मैंने बताए हैं GRT और रेंडर वो अभी भी अप है। और उसके अलावा अगर आपको जो न्यूज आनी है NVIDIA की अच्छी आती है, तो मार्केट कहीं भी रहे आपको AI के जो कॉइन मैंने बताए हैं उन सबके अंदर जम देखने को मिलने वाली है। तो अगेन सारे बहन भाई, पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिस आप कुछ भी न्यूज करोगे, और चैनल जो है अपना यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो जैसे भी ठीक लगता है, और कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।